एक अच्छी नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसका इफेक्ट हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ता है। लेकिन बहुत ऐसे कारण हैं जिस वजह से हमें रात में नींद नहीं आती। आज हम उन बारे में बात करेंगे जिसे ठीक करके हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है। कोई भी रीजन हो, हमें 10 बजे तक बेड पर आ जाना चाहिए। सोने के लिए आप कोशिश करें सारे काम आप 10 बजे से पहले निपटा लें। कई बार हम ऑफिस का काम घर पर ले आते हैं और देर रात तक काम करते रहते हैं। इसका काम तो हो जाता है पर हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह से हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, चाहे जितना भी हम बिजी हों, हम अपना टाइम टेबल ऐसा बनाते हैं कि सही टाइम में खाना खा सकें। यहाँ तक कि ऑफिस में भी लंच ब्रेक का एक फिक्स टाइम होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो टाइम चेंज नहीं होता। आखिर क्यों, कभी सोचा है आपने? मैं आपको बताती हूँ, हमारी बॉडी को जब तक खाना नहीं मिलेगा वो सही से काम नहीं करेगा। इसलिए हम खाने के टाइम टेबल को नहीं तोड़ते, और कभी तोड़ा भी होगा तो आपने देखा होगा कि उसका बुरा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। हम नींद के टाइम टेबल को क्यों फिक्स नहीं रखते? हमें नींद की इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है। नींद पूरी ना होने के कारण सर में दर्द, मूड में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ब्रेन थका थका सा रहता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि नींद हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट करती है। एक स्टूडेंट रात भर पढ़कर एग्जाम की तैयारी करता है और जब वो नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो नींद नहीं पूरी होने के कारण उसका दिमाग एकदम थका रहता है और आंसर उसे याद नहीं आते हैं। नींद आने लगती है, कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है, वो चाहकर भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाता है। जितना भी उसने याद किया वो सारी चीज़ें वो भूलता है और एग्ज़ाम में उसका कंसंट्रेशन लेवल एकदम लो हो जाता है। अगर वो उसी जगह पर रात पढ़ता है तो हर चीज़ याद रहती है, मूड, माइंड, बॉडी सब फ्रेश रहता है और वो काफ़ी एक्टिव भी रहता है। किन कारणों से हमारी नींद कम होती है और उन्हें ठीक करके हम एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं? नींद न आने का कारण कहीं ना कहीं हम खुद हैं और हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से बना लिया है कि हमारी नींद डिस्टर्ब होती ही है। हमारा टाइम टेबल एकदम अलग तरीके का हो गया है। जब हम छोटे थे तो हम एक फिक्स टाइम पे सोते थे और एक फिक्स टाइम पे उठते थे क्योंकि हमें स्कूल जाना होता था। हमारा जो रात का डिनर ही होता है वो 12 बजे तक होता है और हम बेड पे 12:30 1 बजे जाते हैं और उसके बाद तुरंत जाते साथ हम सोते नहीं हैं, कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करते रहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं बट हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते और ये छोटी छोटी बातें किस तरीके से बड़ी हो जाती हैं और किस तरीके से हमारे हेल्थ पर, हमारे मेंटल लेवल पर इफेक्ट करती है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हमें मेडिसिन लेने पड़ जाते हैं। स्लीपिंग पिल्स की आदत एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो कुदरती नींद आती है उसकी बात ही अलग है। हमें ऊपर वाले ने हमारे सिस्टम को ऐसा बनाया है कि हमें रात में सोना है और हमें नींद आती है, बट हमारा जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, वो बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है जिसके कारण हम सही टाइम पे बेड पर नहीं जाते हैं और जो हमारी नींद का जो टाइम होता है वो बिगड़ गया है और जिस टाइम हमें सोना है हम कुछ और काम करने लगते हैं जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और फिर हमारी नींद लेट हो जाती है और जब हम लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं जिससे हमारी सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। हमारे हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता है, हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है और साथ ही साथ हम फैमिली के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो भी बिगड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि नींद ना आने से फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे बिगड़ सकता है? जी हाँ, बिगड़ता है। आपकी जब नींद नहीं पूरी होगी और आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी है, मॉर्निंग में आपको वही सारे काम करने हैं, आपको आपका मूड अपने आप चिड़चिड़ा हो जाएगा, बिना बात के आपको गुस्सा आएगा, कोई रीज़न नहीं है बट आपको गुस्सा आएगा, मन एकदम थका थका रहेगा, तो
जब एक दो दिन होता है तो सही लगता है, बट ये सारी चीज़ें जब रेगुलर होने लगती है तो सामने वाले इंसान को भी प्रॉब्लम होती है और आपको भी प्रॉब्लम होती है। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जिन्हें हम ठीक करके अपनी नींद को सही कर सकते हैं। नींद एक कुदरती चीज़ है, ये आपको आएगी ही, ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आएगी, बट नींद ना आने का जो रीज़न है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और कैसे हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले, स्लीप इज वैल्यूएबल। कहने का मतलब ये है कि नींद हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत प्रभाव डालती है। तो काम को नींद से ज़्यादा वैल्यू ना दें। कहने का मतलब है आप अपने सोने के टाइम में कोई भी ऑफिस का काम ना करें। जो भी पेंडिंग वर्क है वो आप अर्ली मॉर्निंग में कर लें, यानी कि रात आप जल्दी सो जाएं, सुबह आप जल्दी उठकर वो वर्क कर लें। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क ना करें, क्योंकि वो सिर्फ आप एक या दो दिन कर पाएंगे बट रेगुलर नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा वर्क लोड लेने से आपके आपका माइंड यानी कि आपका मस्तिष्क पर उसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने काम करें बट जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है वही करें। रात सोने के लिए बनाएं तो आप रात को नींद लें। और आप यकीन मानिए कि आप अगर रात में सही टाइम से सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप अपने पेंडिंग वर्क को भी सही से कर पाते हैं। दूसरी बात, सनशाइन। जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में कम से कम आधा घंटा भी आप वॉक कर लें। अगर बाहर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी छत पर अर्ली मॉर्निंग टहलें। इससे आपका मन रिलैक्स रहेगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी। नेक्स्ट है, नो स्क्रीन एट बेड टाइम। हम सोने के टाइम बेड पर जब भी रिलैक्स होते हैं दिन भर की थकन के बाद, तो सबसे पहले अपने मन को फ्रेश और खुश करने के लिए या तो टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं या फिर मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। कभी क्रिकेट, कभी सीरियल, इन सारी चीज़ों में लग जाते हैं। और अगर इन सब चीज़ों में नहीं लगते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बिजी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इन सब चीज़ों का यूज़ ना करें, ये तो हमारी डेली लाइफ में और हमें यूज़ करना है, बट हम इसे गलत टाइम पर यूज़ करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इन सब चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। रात 2 बज जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमें इस वक्त सोना चाहिए। और आजकल तो एक नया फैशन चला है वीकेंड। वीकेंड में रात भर जाकर मूवी देखना एक आम बात हो गई है। हम अपने भी जागते हैं और बच्चों को भी जगाते हैं, इस कारण फिर हम देर से सोते हैं और देर से सोकर उठने पर हमारी भी रहती है और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। तो क्या ये सही बात है? क्या ऐसा करके हम रिलैक्स और अपने मन को खुश रख सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। ये मन को रिलैक्स करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं बट गलत टाइम पर करते हैं। आप मोबाइल देखें, मूवी भी देखें पर सोने के समय नहीं। इसके लिए एक अलग टाइम फिक्स करें। आप ये समझ लें कि 10 बजे आपको बेड पर सोने के लिए जाना है। आप अपने पार्टनर से बात करें, पर अच्छी बात है, दिन भर के टेंशन को डिस्कस ना करें। बच्चों को कहानी सुनाएं, उनके साथ थोड़ा खेलें और बच्चों में भी आदत डालें कि वो 10 बजे तक सो जाएं और अर्ली मॉर्निंग उठें, फिर अपने काम करें। बाकी की टिप्स और अच्छी नींद को बाधित करने वाली चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपके मन में कोई भी उलझन हो या आप कुछ मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में